तो हेलो फ्रेंड, आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। फिलिप्स 18.5 इंच मॉनिटर का। आइए देखते हैं इसका प्रॉब्लम। ये जो मॉनिटर पे जो ग्रीन कलर का एक्स्ट्रा बार दिखाई दे रहा था, वही इसका प्रॉब्लम। मैंने इसे ऑफ किया और ये अभी मैं विंडोज लोड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी सही से इमेज दिखाई नहीं दे रहा है। ये ब्लिंक कर रहा था और इमेज भी सही नहीं आ रहा था, तो आज हम इसे ही फिक्स करेंगे। चलिए इसे खोलते हैं। पहले मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। एक इसको मिलेगा आपको और नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये खुल जाएगा। अभी पैनल को बाहर निकालेंगे तो मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे आपको सावधानी से खोलना होगा, नहीं तो पैनल टूटने का चांस रहता है। अभी ये बीच में हमने खोल लिया। अभी स्क्रू ड्राइवर की मदद से फंसाएंगे और ये लॉक रहता है, लॉक को खोलेंगे। देखते रहिए वीडियो को दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों ये प्रॉब्लम ज़्यादातर पुराने जो मॉनिटर होता है 2-3 साल पुराना, वही पर यह प्रॉब्लम आता है। ऐसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको खोलना होगा। मेरा पूरा मॉनिटर खोल लिया है। दोस्तों ये पैनल अभी तक खुला नहीं है इसलिए थोड़ा सा टाइट रहता है। ये हमारा पैनल खुल रहा है अभी। अभी साइड में रखेंगे और इस एलईडी को उल्टा करेंगे तो पीछे का पैनल भी बाहर निकल आएगा। अभी देखते हैं इसका प्रॉब्लम। मैंने पावर दिया और ये पीजीए केबल लगाया। आपको शायद सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा बट यह थोड़ा सा ग्रीन कलर आ रहा है, कैमरे पे सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको पीछे से। दोस्तों ये मॉनिटर एकदम इंटेक है, अभी तक खुला नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम खोला है इसे। और देखिए ये सील लगा हुआ है एकदम। ये देखिए पूरा सील लगा है, अभी तक इसे खोला नहीं। तो मेन जो इसका प्रॉब्लम है ये इसका ये जो कनेक्टर रहता है VGA का, सर VGA का नहीं, ये LVDS कनेक्टर, ये LVDS कनेक्टर जब मॉनिटर 3-4 साल पुराना हो जाता है
ये कनेक्टर पे कार्बन जम जाता है, आपको दिख रहा होगा चार पांच ऐसे लाइन है जो ब्लैक हो गए हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो कनेक्टर दिखाई दे रहा है सिर्फ इसे ही हम क्लीन करेंगे और देखेंगे कि हमारा पिक्चर सही से आ रहा है या नहीं। अभी मैं स्क्रू ड्राइवर से कर रहा हूँ, आप चाहे तो आप ब्लेड से भी कर सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा रहता है आप रेजर से इसे क्लीन कर सकते हो। देखिए मैंने स्क्रू ड्राइवर से क्लीन किया और इसे लगा दिया। ध्यान रहे दोस्तों, ये प्रोसेस करते टाइम आपका मॉनिटर पे पावर नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुछ और ख़राब हो सकता है। अभी पावर दे के देखेंगे कि हमारा काम होगा या है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, अभी एकदम फ्रेश आ रहा है, एकदम क्लीन, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं इसे पूरे आधे घंटे तक इसे चलाऊंगा और देखूंगा कि ये सही चल रहा है या नहीं, नहीं तो हम दूसरे कार्रवाई करेंगे। कि मैंने ऑफ कर दिया, और फिर से इसे ऑन कर दिया। देखिए एकदम सही इमेज आ रहा है। अभी मैं आधे घंटे तक इसे चलाऊंगा और देखूंगा कि इमेज हमारा सही है या नहीं। दोस्तों मैंने इसे 10-15 मिनट चला कर रखा, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो इसलिए मैं अभी इसे चेक कर रहा हूँ। तो हमारा काम ख़त्म हो गया यहीं पर। मेरे ख्याल से और प्रॉब्लम नहीं देगा यह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।